हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनर्जी में ना, जैसे कंफ्यूज, डिफ्यूज और परेशान, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, सब 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 चीज़ें लागू हो रही है। आप देख सकते हैं कि किसे डॉट्स है ना, एक दूसरे की तरफ से दूर दूर जा रहे हैं, फिर कहाँ पे क्या जाना है समझ में लाइक, ऐसे नहीं कि एक ही डायरेक्शन में डॉट्स भाग रहे हैं, नहीं। और ख़ास करके ना सिर्फ दो डॉट्स जा जा के जुड़ रहे हैं। डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी जो आप फील कर पा रहे हैं, या इनके लिए जो आप परेशान हो रहे हो, इनकी रोमांटिक एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी, दोनों भी आप अच्छे से फील कर पाते हो, ये इसी वजह से है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, कन्फ्यूज और आपके ख्यालों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे जागी हो ना सोई हो, तेरे ख्यालों में तेरे खोई हुई वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई सपना आ रहा है, इसे ड्रीमिंग एनर्जी, सपना आ रहा है या सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन है कुछ तो है, जहाँ पे ना ये आपके बारे में कुछ अलग ही फील करने लगे हैं, कुछ अलग फील, जैसे ये पर्सन मेरे लिए क्या और कैसे, क्यों खास है, क्या स्पेशल रिश्ता है, क्या फील हो रहा है, मतलब देर इज़ समथिंग यूनिक, देर इज़ समथिंग स्पेशल, कुछ तो खास है इस पर्सन में, इस बात में, वो वाली चीज़ है। हो सकता है कि टावर सिचुएशन फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, इस बात की वजह से इनको एहसास हो रहा है। आपके साथ की दूरियां जो इनको समझा नहीं पाई, वो किसी झटके की वजह से समझ रहे हैं, लाइक नो स्पेशली ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी का जो धोखा है, या साथ ना देना, या गलत बिहेव करना, या औकात दिखाना हो, यू नो वो चीज़, असली जगह दिखाना, ये सारी चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। जिस दुनिया की प्रैक्टिकलिटी पे उन्होंने बहुत भरोसा किया था कि नहीं भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए तो ही सही होता है, ये सारे थॉट्स उनके कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। यूनिवर्स इनको, इनके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन रख रही है जहाँ पे उनको समझना है कि असली और नकली क्या है, या फिर ये इमोशनल और प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इन्होंने ना आपसे जो प्यार किया था या प्यार कर रहे हैं, इस बात को ना या तो एक्सेप्ट नहीं किया था, या तो इस बात को ना उतना सीरियसली लिया, या उस फीलिंग्स को ना जैसे नहीं समझा या नहीं एक्सेप्ट किया, या फिर उस बात को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ, लोग, सही चीज़ लाइक ना होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ सही सही से होना चाहिए। अभी ये जो सही सही चीज़ें हैं ना, इतनी गलत हो रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ ना, आपकी तरफ देख रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन, बट वही इंसान काफ़ी ज़्यादा शांत, स्टेबल, खुश, अपने आप में खुश, हालांकि आपने उन्हें दुख दिए थे, मतलब इनकी वजह से आपको दुख मिले थे, बट फिर भी वो इंसान खुश है,
फिर भी वो इंसान कंप्लीट है, फिर भी वो इंसान आंसू होते हुए भी मुस्कुराता है, वो कैसे? सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं खाली हूँ, और उसके पास कुछ नहीं होते भी वो इतना कंप्लीट या इतना भरा हुआ कैसे? इस बात की सोच में बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ जब देख रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा दुख फील होता है, इनको बर्दाश्त नहीं होता अपने आप से। मतलब अपने आप से जैसे ना एक एक मोमेंट में ना नफरत होने लगती है, क्या कर दिया है मैंने, और वो भी किस इंसान के साथ। बहुत मतलब ख्याल है ना इनके बहुत ज़्यादा वैंडल हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ना कि एक कार्मिक फेज था आपके बीच में, मतलब कार्मिक साइकिल था, वो ख़त्म हो रहा है। एक दूरी थी, एक वक्त था जो आपके साथ नहीं था, वो होने वाला है आपके साथ, क्योंकि वो वक्त है ना जो सेपरेशन था, वो जो बुरा वक्त था जिसमें आपने बहुत दर्द झेला है, बहुत दर्द झेला है, आज वो दर्द वो फील करवा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइम में। आपने तो काफ़ी लंबे टाइम में वो दर्द झेला है, लेकिन इन्होंने इस शॉर्ट टाइम में ना इनसे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो दर्द। और वही तो बात है कि ये समझ नहीं पा रहे कि आप इतने लंबे टाइम कैसे सह गए, कैसे उस इंसान का इंतज़ार करते रह गए जो आने की कोई उम्मीद नहीं थी, या सामने से वो इंसान जिसे ना बोल रहा हो। इन्हें ना अपने आप से बहुत नाराज़गी है, बहुत नाराज़गी, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग है। ये इंसान कुछ खास है, ये इंसान बहुत प्यारा है, और ये इंसान ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंसान है। इन्हें आपसे ना बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, और ख़ास करके ना सब माफ़ी मांगनी है। माना कि अगेन मुझे फील हो रहा है कि इनकी शायद ज़बान पे कभी सॉरी ना आए, बट इनकी आँखों में सॉरी ज़रूर आएगा, आ रहा है इनफैक्ट। एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लगा। इन्होंने कुछ सोचा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं, ये जस्ट फील कर रहे हैं, ये जस्ट फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी एक लविंग मेमोरीज में खोए हुए दिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा। काम करते करते अपनी अपने आप में जब रहते रहते अकेलेपन में, जब ये मुस्कुराते हैं, जब आपका कोई मैसेज है या कोई आपकी फ़ोटो है, जब वो आप देखते हैं तो उनकी चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है, और वो चीज़ उनको बहुत बहुत ज़्यादा बहुत खुश करती है, लाइक ना एक पॉजिटिव फीलिंग देती है, पॉजिटिव फीलिंग। ये इंसान का ऐसा लग रहा है ना कि दुआ में आपसे आपको मांग रहा हो, अनजाने में से लग रहा है कि जैसे ना यूनिवर्स कह रहे हैं इसे खुश रहना, इसे खुश रखना वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा लाइक ना ऐसा लगता है ना कि ये जब आ रहे हैं ना, टूट के प्यार करेंगे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टूट के, क्योंकि इन्होंने एक एहसास कर लिया है, इन्होंने एक बात समझ ली है कि आप क्यों खास हो, एक क्यों खास हो। हो सकता है कि इनको ना अचानक से रियलाइजेशन हुआ हो कि आपका दोनों का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। इनके साइन टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि हो सकती है, वृष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, एंड इनिशियल उनकी ओ हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है। 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और अगेन ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कर्मा है जो कंप्लीट होने के कगार पे है, या फिर ये कार्मिक सिचुएशन फेस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं। पॉसिबल है कि इन केस ये एक सिचुएशन है, लीगल सिचुएशन को भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगेन जस्टिस, कर्मा, न्याय, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, एंड अगेन आपकी तरफ एक न्याय आ रहा है,
ऐसी वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन आ रहा है और एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है इनका, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप आपने कभी सोचा भी नहीं था, ये ऐसा कुछ भी आप देखेंगे, स्पेशली इस इंसान के बारे में वो नहीं सोचा था, तो वो हो रहा है क्योंकि वक्त और हालात बहुत लोगों को बुरी तरह से बदल देते हैं, बुरी तरह से बदल रहे हैं लेकिन अच्छे के लिए, वो सिचुएशन है। हार्ट बन रहे हैं डेफिनेटली, ऐसा लग रहा है कि कोई इमोशनल फीलिंग के साथ आ रहे हैं, लेकिन एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी हो सक होने के चांसेस है। और बहुत खूबसूरत एनर्जी है जहाँ पे इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, खामोश है लेकिन दर्द से ज़्यादा ना एक रियलाइजेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रियलाइजेशन के, और ख़ास करके आपकी प्यार की, आपकी आपकी प्रेजेंस की, आपकी रिस्पेक्ट की, आपकी सपोर्ट की, हर चीज़ की वैल्यू हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, सो जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान आने की कोशिश में है, आने की तैयारी में है, इच्छा तो है, डिज़ायर लेके बैठा है कि भाई कब मौका मिले, कुछ हालात बदले, कुछ है ऐसे प्रॉपर सोच समझ के नहीं, इट्स लाइक मन की इच्छा है, बस मन कर रहा है, डिज़ायर हो रही है कि बस मिले, बात करे, मैसेज आए, मैसेज करे, आपको वो खुशियाँ दे दें, लाइक प्रपोजल की एनर्जी हो सकती है, नई शुरुआत की हो सकती है, वो चीज़ है। अगेन फील हो रहा है कि इनकी ड्रीम्स में आप आ रहे हो, या फिर ये आपके लिए बहुत ज़रा ड्रीमी एनर्जी फील कर रहे हैं, जैसे कि आप साथ हो, कहीं दूर गए हो, वो चीज़ है। फिलहाल जिस तरह से एनर्जी इनकी है वो काफ़ी ज़्यादा ना अपनी ही गहरी सोच में है, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने जो कुछ फील करे ना, या तो ये अभी फील करे या फील कर चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सरदर्द की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सरदर्द की, जहाँ पे वो इंसान समझ पा रहा है कि यार ऐसा नहीं होता, यही सही, यही सही है, 1+1=2 ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जब वेन कम टू द इमोशन, यू नो प्यार की बात होती है, इमोशंस की बात होती है, चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान बदल जाता है, इंसान खूबसूरत बन जाता है, वो एनर्जी आप में फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी। और ख़ास कर से लगा कि अगर कोई यू नो ऑप्शंस ट्राई किए, हाँ ये इन्होंने ऐसा पॉसिबल है कि ये कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक ना फैमिली या जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इन्होंने आपको मना किया हो, आपको इग्नोर किया हो, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया हो, बट अभी चीज़ें बदल रही हैं, एक डिसीजन है, एक कर्मा है, वो आपकी तरफ आ रहा है। फाइनली एक टू ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे एक यूनियन रियूनियन, एक रिकन्सिलेशन, एक प्यार की एनर्जी जो इक्वल है, जितना जैसे प्यार आप करें ना वैसे ही प्यार आपको अभी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन है ना इंसान का बहुत ज़रूरी होता है, वो अगर यूनिवर्स की तरफ से है वो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि वो एहसास दिलाता है कि असली क्या है, एक लाइक सोल की एनर्जी क्या फील करता ना, वो फील कराता है। इनकी इंट्यूशंस, इनकी सोल वॉइस उनको कुछ कहना चाहती है और वो चीज़ वो सुन पा रहे हैं, अभी इस खामोशी में वो सुन पा रहे हैं। सो आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और विद द स्टेबिलिटी वो चीज़ दिख रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।